खेल और खिलाड़ियों की यह भावना अवश्य स्पंदित होगी और हम सभी के मन में कुछ कर गुजरने की भावना को अवश्य आगे बढ़ाएगी। स्मृति चिन्ह, मेडल्स और एक पुष्पगुच्छ देकर इन सभी का स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद मयंक सुधरियाल और योगेश पांडे, इन्होंने भी पुरुष वर्ग में मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीता है 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में। अंकिता ध्यानी, क्योंकि बेंगलुरु में कैंप कर रही हैं, एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता था, हमारे बीच उपस्थित नहीं है। और इसके पश्चात गायत्री नेगी, पैनचेक शिलाट, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए पैनचेक शिलाट में। निखिल भारती, इशु भारती, पैनचेक शिलाट में इन तीनों खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हासिल किया है। आज जिम्नास्ट में भी उत्तराखंड एक अलग पहचान बना रहा है और जिम्नास्ट में भी पूरे देश में कांस्य पदक हासिल करने वाले मोहम्मद अरशद और शिवम विश्वास को हम सादर आमंत्रित करते हैं। मोहम्मद अरशद, जिम्नास्ट में पहली बार कांस्य पदक जीता है और इसके पश्चात शिवम विश्वास। इसके बाद सेपक टाकरा, लोकेश शाह, मंगल आशीष बिस्ट, जोरदार तालियां लोकेश के लिए, मंगल सिंह और आशीष बिस्ट, पहाड़ की इन प्रतिभाओं ने भी अपना दमखम दिखाया और मेडल के उस पोडियम तक पहुंचे। स्नेहा तड़ियाल चूंकि दिल्ली में है, हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई है। सचिन रावत, जूडो में आपने मेडल हासिल किया। और इसके पश्चात वुशु के लिए हर्षित शर्मा, ओमलाल शाह, दिवाकर पुजारी और खुशबू यादव जो कि लखनऊ में हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभिषेक वर्मा, कृति गुसाई, पैनकेक शिलाट में आपने कांस्य पदक हासिल किया, जोरदार तालियां अभिषेक और कृति के लिए। इसके बाद बैडमिंटन में शशांक छेत्री, सोहेल अहमद, हिमांशु तिवारी, बोधित जोशी, बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। शशांक छेत्री, सोहेल अहमद और हिमांशु तिवारी और बोधित जोशी, जोरदार तालियां इन सभी खिलाड़ियों के लिए। आज ये खिलाड़ी देवभूमि के सम्मान के रूप में हमारे बीच हैं। धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध की कृपया 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु संदेश एवं आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तीसवें राष्ट्रीय खेलों के ध्वज हस्तांतरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने देखो सुना, हमारे प्रदेश की खेल मंत्री और लगातार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए काम करने वाली बहन रेखा आर्य जी, हमारे इस
रायपुर क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ एवं लोकप्रिय विधायक आरणी उमेश शर्मा काहू जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, निदेशक खेल श्री जितेंद्र सोनकर जी, महासचिव उत्तराखंड ओलंपिक संघ श्री डीके सिंह जी, विभिन्न खेल संघों के आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधि और खेल विभाग से लगातार अपना खेलों से रिश्ता रखने वाले जुड़े हुए सभी आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, और आज जिनके निमित्त ये शानदार आयोजन भी यहाँ पर हुआ, हमारे सभी पदक विजेता, हमारे सभी खिलाड़ी, सभी एथलीट उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मेरे छात्र एवं छात्राओं, मैं सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए जो दायित्व उत्तराखंड को मिला है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और देवभूमि को यह उपलब्धि प्रदान करने के लिए 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर राष्ट्रीय खेल ध्वज माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री बहन रेखा आर्य के नेतृत्व में गए हुए प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है। आज इस ध्वज का राष्ट्रीय खेल हेतु आयोजन समिति को सौंपा जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा 38वां राष्ट्रीय खेल यहाँ आयोजित होगा वो बहुत ही गौरवशाली होगा और एक हर क्षेत्र में, जैसे उत्तराखंड का एक मॉडल बन रहा है, उत्तराखंड का एक अपना विशेष प्रकार का व्यवस्थित हर क्षेत्र में हम अपने को कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारा ये आयोजन भी, जैसा हम सब लोगों के लिए वीर भूमि, सैन्य भूमि, देव भूमि, पर्यावरण की भूमि, पर्वतों की भूमि, वनों की भूमि, नदियों की भूमि इस रूप में जानते हैं, तो आने वाले समय में यह आयोजन हमको खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अनेकों खेलों में आज अपना नाम कमा रहे हैं, और केवल नाम हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी कर रहे हैं। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा 18 पदक उस समय मिले थे, इस वर्ष 37वें खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 24 पदक प्राप्त किए गए हैं। मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के खिलाड़ी आगामी जो प्रतियोगिताएं होंगी निश्चित रूप से उसमें अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, अग्रणी स्थान प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि खेल हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा अंग है जिसकी भावना हमको हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, जीवन का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो। और ये हमको अंधकार की तरफ से प्रकाश की ओर ले जाने का काम, नकारात्मक चीजों से सकारात्मक बनाने का नाम अगर किसी का है, हम किसी को उसकी संज्ञा दे सकते हैं, तो वो केवल और केवल खेल है जो हमको इस दिशा में आगे प्रेरित करता है। खेलों से जहाँ आपस में एकता बढ़ती है, खिलाड़ियों में सिर्फ खेल की भावना होती है, वे जाति, धर्म और तमाम प्रकार के जो बंधन हैं उन बंधनों से भी आज़ाद होते हैं, और समाज के लोग भी हमारे खिलाड़ियों से कहीं ना कहीं सबक लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी प्रेरणा मिलती है। आज हर क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली भारत,
वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, वहीं खेलों के क्षेत्र में भी लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया का कोई खेल का ऐसा मैदान नहीं होता है जहां हमारे देश के खिलाड़ी किसी न किसी खेल में पदक विजेता न बनते हों। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे देश में खिलाड़ियों के अंदर जो टैलेंट है, जो उनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, उसका भी आज सम्मान हो रहा है। हमारे देश का इकोसिस्टम कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी देश का इकोसिस्टम कैसा है इसका पता ओलंपिक में उस देश की तरफ से जो क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या से पता लगता है कि उस देश का इकोसिस्टम कितना अच्छा चल रहा है। लंदन में 2012 में हुए ओलंपिक में 83 एथलीटों ने क्वालिफाई किया था 2012 में। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद दो ओलंपिक, रियो दी जेनेरियो 2016 और टोक्यो 2020, ओलंपिक के लिए 117 और 126 खिलाड़ियों ने इसमें क्वालिफाई किया है। आप अंतर साफ देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल ढांचा बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अगर हम उठाए गए कदमों पर ध्यान से गौर करेंगे तो 9 साल पहले के मुकाबले जो खेल का बजट है उस खेल के बजट में भी 3 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना से ज़्यादा अभी तक बढ़ चुका है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने युवा और खेल मंत्रालय को करीब 3,390 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि है। और इसके पीछे हेतु है कि बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर ट्रेनिंग हो, बेहतर हमारा प्रशिक्षण हो। और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होना है और पैरा ओलंपिक, उसमें हमारे खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन हो, अपने खेल को और बेहतर बनाना है, और अच्छा बनाना है। कभी देश आता था कि कहते थे आप लोग, पता नहीं जो नए लोग होंगे उन्होंने तो कम सुना होगा, क्योंकि अब तो खेल हमारे लिए एक ऐसा वो हो गया है जो करियर भी बन रहा है, हर दृष्टि से आज इसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। पहले के क्षेत्र में पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदो तो होगे खराब। एक समय ऐसा था और जिस देश की सरकारें मानती थी उस समय कि खेल ही है, उसके लिए कैसा सिस्टम बनाया, कैसा सिस्टम बनाना है। और जिस देश में गली गली में जो हमारे एक से एक टैलेंटेड खिलाड़ी होते थे वो दम तोड़ देते थे, उस देश की गली गली से निकले टैलेंट अब विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हम सभी को गौरवान्वित करने वाला काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन देश के अंदर अब तेजी से विकसित हुआ है। इसी साल इस भारत ने एशियाई खेलों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो खेलो इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया, उससे निकले करीब 125 खिलाड़ियों ने जो एशियाई खेल का हिस्सा बने, जिनमें से 36 खिलाड़ियों ने मेडल भी जीते हैं। प्यारे खिलाड़ियों, भाइयों बहनों, हमारी राज्य की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से उस पर अपनी बात कही है। हमने कुछ समय पूर्व राज्य के जो प्रतिभा वाली खिलाड़ी हैं उनको खेल छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया है। और हम बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं उनको कहने पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जो कहते हैं उसको करते हैं। हमारी सरकार जो कहती है उसको धरातल पर उतारती है। हम चाहते हैं कि खेल के मैदान में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने, और इसी के तहत खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, हम सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं,
या सहायता है सरकार की तरफ से, प्रोत्साहन है, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करना, बेहतर परिणाम लाना, अपना वर्चस्व स्थापित करना, हमारे राज्य का गौरव बढ़ाना, राज्य को पहचान दिलाना, खेल के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का काम है, ये उनका उत्तरदायित्व। और मैं समझता हूँ कि जहाँ सरकार अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निभा रही है, अपने दायित्व पर काम कर रही है, और जो हमें लगता है कि जब जब जो निर्णय होने चाहिए वो निर्णय भी हम कर रहे हैं, तो अब आपकी भी बारी है कि आने वाले समय में आप भी जो एक कसौटी है, इस कसौटी पर खड़े उतरें, और हम सबका काम है कि हम आपका प्रोत्साहन करें। जितने हमारे खेल संघों के लोग हैं, खेल प्रतिनिधि हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर इस प्रकार का जज्बा पैदा करें, इस प्रकार की उनकी सोच बनाएं कि उनको भी लगे कि हमको खेल के मैदान में सबसे आगे रहना है। हमने खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से खेल रुचि में लाने हेतु 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए ₹2,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति, ₹10,000 प्रतिवर्ष खेल के सामान आदि खरीदने के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अब धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना में 8 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को ₹1,500 प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वित्तीय लाभ दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना की गई है, जिसके बारे में अभी आपको खेल मंत्री जी ने बताया है। हमारे खिलाड़ियों के प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षक शिविरों में यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की है। हमने ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों के लिए ओपन जिम खोलने के लिए भी ₹10 करोड़ का प्रावधान किया है, जो प्रत्येक ग्राम सभा में ओपन जिम जिससे खोले जाएंगे। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि खेल प्रशिक्षकों के मासिक मानदेय में लगभग 100% से भी अधिक की वृद्धि की गई है। इसके पीछे हेतु केवल एक ही है कि हमारे खिलाड़ियों का अच्छा प्रशिक्षण हो। प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5% स्पोर्ट कोटे की व्यवस्था करने के लिए भी नियमावली बनाने जा रही है। निकट भविष्य में इसमें भी हम नियमावली बनाएंगे। निजी खेल क्षेत्रों के माध्यम से खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई है। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवा आयोजन प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था की है, जिसे लागू किए जाने की प्रक्रिया भी अब अंतिम चरण में है। प्यारे खिलाड़ियों, राज्याधीन सेवाओं में सेवा आयोजन के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किए जाने की कार्रवाई अब अंतिम चरण में है। जैसे हमने मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण किया था, उसी के तर्ज पर इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने खिलाड़ियों से, अपने युवा साथियों से, कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करें और जीवन में संकल्प लेकर आगे बढ़ें। राज्य की सरकार आपके साथ है। प्यारे खिलाड़ियों, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, जिसमें कोई विकल्प न हो, केवल संकल्प हो। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुट जाएं। जिस क्षेत्र में भी जाएं, उस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, अपने पूरे मनोयोग से, अपने संपूर्ण समर्पण से उसको जीतने का प्रयास करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अवश्य उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप उत्तराखंड प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपना सहयोग हमेशा की तरह आगे भी करते रहेंगे। आइए हम सब देवभूमि को आदर्श राज्य बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने जो कर्तव्य हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी हैं, उसको आगे बढ़ाएं, उस जिम्मेदारी को पूरा करें। साथ ही मैं अंत में आपसे अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खेलों के लिए अभी से आप जी जान से जुड़ जाएं, क्योंकि इस वर्ष हम सब मेजबान की भूमिका में जहां रहने वाले हैं, वहीं देवभूमि एक तरफ, कहीं मेजबान के रूप में तो सब जगह हमारा नाम आएगा।
खेल में प्रदर्शन के आधार पर भी हमारा नाम साथ साथ जाना चाहिए, दोनों तरफ बराबर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जी जान से जुटेंगे और इसका प्रतिफल आपके खेलों में प्रतिभा करने के दौरान अवश्य मिलेगा। अभी जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट देहरादून में आयोजित होने जा रही है 8 और 9 दिसंबर को, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसके उद्घाटन सत्र में हम सबका प्रोत्साहन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, उस का उद्घाटन समारोह उन्हीं के आतिथ्य में प्रारंभ होने वाला है। और अभी तक उसमें जितने हमारे निवेशकों के साथ करार हुए हैं, लगभग आज 40,000 करोड़ से अधिक के आज करार होने के बाद 3 लाख करोड़ के आसपास, 3 लाख करोड़ के लगभग हमारे अभी तक करार हो गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा करार है और एक बड़ी ग्राउंडिंग भी हमारी जो है 8 तारीख से पहले होने वाली है, जो लगातार जारी है। इसके पीछे भी हमारा हेतु है, हमारे राज्य के लिए बड़ा अवसर है कि जो हमारा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो रहा है, ये प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है जहां हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, यहां पर व्यापार बढ़ेगा, राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी। वहीं हमारे नौजवान युवाओं को, हमारे प्रतिभावान युवाओं को आज अनेकों अपने रोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए प्रदेश से दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, अपने घर के पास ही आने वाले समय में उनको काम मिलेगा। और इसी इन्वेस्टर समिट में खेल क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्रों द्वारा कुछ रुचि व्यक्त की गई है। इसमें रांची में 27 करोड़ की लागत से विकसित किए जा रहे हाई एल्टीट्यूड सेंटर को खेल क्षेत्र में अग्रणी निजी संस्था द्वारा जेएसडब्ल्यू के द्वारा पीपीपी मोड में लिए जाने का भी प्रस्ताव है। यह भी एक राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे शीघ्र ही एमओयू इसमें जेएसडब्ल्यू के साथ किए जाने हैं। मुझे आशा है कि इस समिट में और भी खेल क्षेत्रों में और निवेश के एमओयू हस्तांतरित किए जाएंगे। इससे निश्चित रूप से राज्यों में खेल उत्तरोत्तर प्रगति करेगा एवं आने वाले समय में राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन कर खेल राज्य को खेल क्षेत्र में भी देश के और दुनिया के मानचित्र में स्थापित करेगा। एक बार पुनः मैं आप सभी को राष्ट्रीय खेल ध्वज मिलने और उत्तराखंड को अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर मिलने पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आप सबसे ये अनुरोध जरूर करना चाहता हूं कि जैसे हम हर क्षेत्र में आज अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग उत्तराखंड का खेल देखने के बाद, खेलों का आयोजन देखने के बाद ये जरूर कहें कि हमारा राज्य भले ही भारत के नक्शे में बहुत विशाल भौगोलिक क्षेत्र न हो, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए स्मरण के रूप में रहें। और यहाँ से जाने वाले, यहाँ खेल में भाग लेने लेकर जाने वाले खिलाड़ी हम सबको एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्राप्त हों और कहें कि उत्तराखंड के लोगों ने तो गजब कर दिया। इस प्रकार का हम सब आयोजन करें, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये आयोजन हमारा सफल होगा। मैं आप सबको पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।